मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल नया रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ साझी संस्कृति को सहेजते हुए विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्य सगे भाई हैं। दोनों राज्यों की साझा संस्कृति है, साथ ही साझा विचार और साझा राष्ट्रवादी भाव है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव रायपुर में छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस समारोह राज्योत्सव को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण करते हुए कहा कि उनके कुशल नेतृत्व में ही छत्तीसगढ़ राज्य का उदय हुआ। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के विकास की असीम संभावनाओं का आकलन कर निर्णय लिया। आज वनांचल और माइनिंग के साथ साथ सभी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य है। पूरे प्रदेश में विकास के नए आयाम रचे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में अब डबल इंजन की सरकार तेज गति से विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का दीप प्रज्वलित और देव नगाड़ा बजाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और ये शानदार शुभारंभ हो चुका है। राज्योत्सव छत्तीसगढ़ 24वीं वर्षगांठ अपनी जो यहां पर सेलिब्रेट करने जा रहा है, उसके लिए सम्मान्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन और देव नगाड़े के वादन के साथ इसकी शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पावन भूमि का संबंध भगवान श्री राम और श्री कृष्ण से रहा है। माँ कौशल्या और माँ शबरी ने भी इस भूमि का उद्धार किया है। माता शबरी के झूठे बेर भगवान श्री राम के द्वारा खाने का गौरवशाली प्रसंग जनजातीय संस्कृति को गौरवान्वित करता है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात, ये सभी राज्य भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के आध्यात्मिक प्रसंगों को अपने में समेटे हुए हैं। इस गौरवशाली अतीत को भावी पीढ़ी के सामने लाने के लिए हमारी सरकार मिलकर काम करेगी। भगवान श्री राम के पदचिन्हों पर बनने वाले श्री राम वनगमन पथ के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के प्रसंग स्थलों को चिन्हित करते हुए धार्मिक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा और श्री अरुण साव, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह एवं सांसद श्री ब्रजमोहन अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, कलाकार और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे। दोनों में कोई अंतर नहीं, ऐसे है कि दोनों सगे भाई हैं। इसीलिए उस भाईचारे को बनाए रखने के लिए, यद्यपि छत्तीसगढ़ को 24 साल हुए मध्य प्रदेश से अलग होकर के, लेकिन इसी बात को एक रेखांकित करते हुए हमारे दोनों का जन्म का दिन एक ही रखा है, 1 नवंबर। इस भाव के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये भाव सदैव हमें लालायित करता रहेगा कि हम में और आप में कोई अंतर नहीं, कदम कदम पर हमारी साझा संस्कृति है, साझा विचार है और साझा राष्ट्रवादी भाव को लेकर के चलने वाला ये छत्तीसगढ़ परमात्मा ने जब दिया है तो सच कहा डॉक्टर रमन सिंह जी ने, कुछ ज्यादा ही दिया छत्तीसगढ़ को। और ये खुशी हमें भी मध्य प्रदेश में है। धान का कटोरा अगर किसी पूरे देश में किसी राज्य में माना जाता है तो वो छत्तीसगढ़ को माना जाता है। इसलिए तो कहा गया है छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। ये सम्मान ऐसे हासिल नहीं हुआ है, अपने भोलेपन के लिए, अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को संभाले हुए वनांचल में भी और माइनिंग में भी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं। लेकिन 55 साल तक मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, इतने संभावना वाले प्रदेश के साथ पूर्ववर्ती सरकारों ने बहुत छोटे मन से काम किया। छत्तीसगढ़ का वो काल याद करें जिस काल में लोगों को अनाज नहीं मिलता था, यहाँ भूखे मरना पड़ता था, कितने कष्ट थे। लेकिन जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिनके कारण से ये सारे संकटों का समाधान निकला है, जिनके नेतृत्व में इस नए राज्य का उदय हुआ। और नए राज्य का उदय नहीं हुआ, हमारे इस पूरे क्षेत्र में रायपुर से लगा करके बस्तर तक, जगदलपुर से लगा करके पूरे क्षेत्र में
जिस प्रकार से विकास का यह आयाम खड़ा हुआ है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब तो डबल इंजन की सरकार और तेज गति से आगे बढ़ रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अतीत के काल में भी भगवान राम ने भी जहां बड़ा समय यहां गुजारा है, माता कौशल्या का भी इस जन्मभूमि से संबंध आता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान राम के साथ भी हमारे लिए झूठे बेर खाने वाला प्रसंग अगर माता सबरी के साथ जुड़ता है तो वो गौरवशाली प्रसंग भी हमारी आदिवासी संस्कृति से जोड़ करके भगवान राम के उस काल को गौरवान्वित करता है। वो स्थान भी छत्तीसगढ़ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान कृष्ण का भी संबंध आपसे आता है। मैं इस बात के लिए गौरवान्वित होता हूँ कि आज मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या द्वारका का लगावा गुजरात का क्षेत्र है, भगवान राम और कृष्ण जिनके दोनों के कारण से देश गौरवशाली अपना अतीत समेटे हुए है, आज इस अवसर पर हमारी ये बिखरी हुई संस्कृति भगवान और राम और कृष्ण के नाम से जानी जाती है, उस गौरवशाली अतीत के लिए भी हमारी सरकार मिलकर काम करेगी। मैंने विष्णु जी से भी इस बात के लिए समर्थन लिया है कि अलग अलग क्षेत्रों में हमारी संस्कृति के ऐसे चिन्हों को लेकर के भगवान राम के लिए वन गमन बड़ा एक प्रोजेक्ट है, लेकिन भगवान कृष्ण की भी जहां जहां लीलाएं हुई है ऐसे स्थानों को चिन्हित करते हुए प्रत्येक स्थान पर भी धार्मिक तीर्थ स्थल के आधार पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने का निर्णय हमने किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, मेरे साथ आज ये दिवाली मनाने का जो हमको आप सबको मौका मिला है, राज्य उत्सव की और कीर्ति बढ़ गई। ये राज्य उत्सव में दीप उत्सव भी जुड़ा है, तो एक बार भगवान राम का भी जयकारा करें। बोला जय जय श्री राम।